क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद अब 17 दिसंबर को पुनः आरसीए कार्यकारिणी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। आरसीए चुनावों को लेकर एडहॉक कमेटी के संयोजक विनोद सहारण ने आज नोटिस जारी करते हुए बताया कि आरसीए की नए कार्यकारिणी के लिए 17 दिसंबर को चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें कार्यकारिणी के लिए 33 जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष और दो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलीम दुर्नानी और गगन घोड़ा भी मतदान करेंगे। वोटिंग लिस्ट के लिए 30 नवंबर को शाम 5 बजे तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है, जिसके बाद 6 दिसंबर को वोटिंग लिस्ट की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। कार्यकारी सदस्यों के लिए 12 दिसंबर को नामांकन भरे जाएंगे, जिसमें 15 दिसंबर को छटनी और 16 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन वापसी के बाद 17 दिसंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ जानकारी देते हुए विनोद सहारण ने बताया कि मतदान के बाद 17 दिसंबर को ही मतगणना होगी और परिणाम जारी किया जाएगा। 6 पोस्टों के लिए चुनाव होंगे, अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी और मेंबर। और इसका पूरा कार्यक्रम चुनाव अधिकारी AK पांडे साहब, रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान, जोर से बोले, और PS हाडा, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर। और इसकी हमने जो वोटर लिस्ट जारी करी है उसमें हमने 35 वोटर जारी किए हैं, जो लोडा कमेटी के हिसाब से इंटरनेशनल प्लेयर हैं दो, जो राजस्थान के सलीम दुरानी और गगन खोडा के नाम हमारे द्वारा जोड़े गए हैं। और 33 जिला संघ इसके पहले ही वोटर हैं। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने रजिस्टर्ड हो ही चुका था। और इसका पूरा कार्यक्रम जो घोषित किया गया है इसमें आप फाइलिंग ऑब्जेक्शन वोटर लिस्ट 30/11/2018 को 5 बजे तक ऑब्जेक्शन दिए जा सकते हैं। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो 6 दिसंबर को जारी की जाएगी, और फाइलिंग नॉमिनेशन है वो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक साय 5 बजे तक कर सकते हैं। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 15 दिसंबर को होगी, विड्रॉल 16 दिसंबर को होगा और पोलिंग 17 दिसंबर को होगी, और पोलिंग के जस्ट बाद काउंटिंग 17 दिसंबर। पोलिंग कितने नवंबर सुबह 9 बजे। और ये सारा जो चुनाव का कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील 42/35/2014 जो लोडा कमेटी की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वर्सेस जो चल रही है उसके तहत ये करवाया गया है। और राजस्थान खेल अधिनियम के अनुसार कि कानून के तहत 24-1 में बनी एडोक कमेटी को 3 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक था, उसी की पालना के लिए ये चुनाव की घोषणा आज की जाती है।